तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर, तेरा हुनर हुनर तेरी। आज की क्लास एमएस डॉस की कुछ और इंटरनल कमांड के बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्वागत है एमएस डॉस के क्लास 7 में। तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, एमएस डॉस के कुछ इंटरनल कमांड जो शायद पहले भी मैंने प्रैक्टिकल में आपको दिखाया था, एमडीसीडी कमांड, तो अब इस कमांड को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि कुछ इंटरनल कमांड ऐसे कमांड है जिससे हम डायरेक्टरी से रिलेटेड और फाइल से रिलेटेड बहुत सारे काम को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिए गए कमांड को आप लोग नोट करें, आगे की क्लास में आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सारे कमांडों के बारे में दिया जाएगा और उसके आगे के वीडियो में आपके प्रैक्टिकल सेशन भी दिए जाएंगे। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम में कमांड आपको क्या लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसका एक कॉलम दिया गया है। दूसरे कॉलम में हम यूज बता रहे हैं उस कमांड का। तीसरे कॉलम में हम उस कमांड का सिंटेक्स यानी हम उसे कैसे टाइप करेंगे। पहला कमांड है एमडी। एमडी का अर्थ होता है मेक डायरेक्टरी। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो में डायरेक्टरी को हम फोल्डर बोलते हैं, और अगर इस कमांड को अगर आपको डॉस प्रॉम्प्ट पे लिखना है तो उसका सिंटेक्स है C कॉलन MD और उसके बाद आप डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे। विंडोज के अंदर डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं और डॉस के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है। तो विंडो यूजर के लिए फोल्डर होता है और डॉस यूजर के लिए वही फोल्डर डायरेक्टरी कहलाता है। अब दूसरे कमांड की ओर चलते हैं। दूसरा कमांड है CD, चेंज डायरेक्टरी। जैसा कि पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जब कोई एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उसी डायरेक्टरी में अगर हमें काम करना होता है तो हमें उस डायरेक्टरी में जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सीडी कमांड का यूज करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले टाइप करते हैं सीडी और उसके बाद जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है उस डायरेक्टरी का हम नेम टाइप करते हैं और इंटर दबाते ही हम उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब तीसरा कमांड है आरडी। आरडी कमांड ऐसा कमांड है जो बनाए हुए डायरेक्टरी को आप रिमूव करने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। इस कमांड का सिंटेक्स होता है आरडी और उसके बाद डायरेक्टरी का नेम, यानी आप ऐसे डायरेक्टरी का नेम डालेंगे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने पुराने वीडियो में JJKM नाम का एक फोल्डर बनाया था जिसे मैं अभी रिमूव करना चाहता हूं। फोर्थ कमांड है पाथ कमांड। इस कमांड से आप ये पता कर सकते हैं कि डॉस के जिस प्रॉम्प्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रॉम्प्ट का पाथ क्या है, या आप कंप्यूटर के कौन से फोल्डर में अभी कार्य कर रहे हैं। इस कमांड का यूज फाइल को कॉपी करने के लिए भी बहुत किया जाता है। फिफ्थ कमांड है डेल कमांड। इस कमांड का यूज आप फाइल को डिलीट करने के लिए, पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि फाइल को डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड का सिंटेक्स होता है डेल उसके बाद फाइल नेम,
लेकिन इस कमांड को सावधानी पूर्वक यूज करें। अभी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा डेल के नीचे, ये हेल्प कमांड है। ये कमांड आप इंटरनल जितने भी और एक्सटर्नल जितने भी कमांड यूज करते हैं उसे आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यूज करना है, तो आप हर कमांड के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड। मूव कमांड ऐसा कमांड है जिससे हम पूरे फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी कर सकते हैं। इस कमांड का सिंटेक्स होता है मूव, उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा के वाई लगाते हैं, उसके बाद सोर्स एंड डिस्टिनेशन डायरेक्टरी का एड्रेस देते हैं। अगला कमांड है RMDIR या RD कमांड। इस कमांड से हम डायरेक्टरी रिमूव करते हैं, जिसका सिंटेक्स है RD उसके बाद डायरेक्टरी नेम। जैसा कि अभी तक के वीडियो में आपने सारे कमांड का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, जैसा कि डेल कमांड आपने पढ़ लिया, RD कमांड आपने पढ़ लिया, आगे के वीडियो में इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सेशन अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप आसानी से देख के समझ सकेंगे कि इस कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। अभी आपको जितना भी बताया गया है उसे आप अच्छे तरह से नोट कर ले और कोशिश करें कि सारे कमांड को याद रखें। कुछ ऐसे कमांड है जैसे डेल कमांड, RD कमांड, इस तरह के कमांड को आप इसी तरह ना चलाएं। आप इस कमांड को तभी एग्जीक्यूट करें जब आप समझ जाए कि इस कमांड को सही तरीके से चलाना कैसे है। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आगे आपको वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सेक्शन को भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी तक के वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और आगे के वीडियो के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।